अगर आपको ये डेजर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई 5-स्टार होटल का डेजर्ट है या इसे बनाने में बहुत मेहनत लगने वाली है, तो मैं आज आपको बता दूं, ये क्विक और इजी डेजर्ट है जो बनाने में इतना आसान है और जो टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्ट एंड पेपर, वेयर वी मेक वेज एंड जैन रेसिपीज इंटरेस्टिंग, एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज स्वीट डिलाइट। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ये बहुत इजी डेजर्ट है, और अभी दिवाली आ रही है, और अगर आप दिवाली पर रेगुलर स्वीट्स खाकर बोर हो गए हैं, तो आई एम श्योर आपको ये डेजर्ट बहुत ही पसंद आएगा। ये डेजर्ट दिखने में जितना अच्छा है, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आज यूज करने वाले हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 7 से 8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और यहाँ मैंने कुकी कटर लिया है, पर अगर आप चाहे तो कटोरी भी ले सकते हैं। आपके पास कोई और शेप का कुकी कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने सर्कल इसलिए लिया है ताकि सर्कल कटोरी सभी के पास होती है। सो ये मेरे ब्रेड ऐसे दिख रहे हैं सर्कल कट होने के बाद, और जो हमारी ब्रेड स्लाइसेस बची है हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे ब्रेड क्रम्स बनाएंगे इसका और फ्यूचर में यूज करेंगे। अब एक पैन को हम गरम करेंगे और इसे घी से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हम हमारे ब्रेड स्लाइसेस रखेंगे जिसको हमने सर्कल शेप में कट किया है। 2 से 3 मिनट तक हम इसे टोस्ट होने देंगे, और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे पलटेंगे और दूसरे साइड से टोस्ट होने देंगे। जब तक हमारी ब्रेड रेडी हो रही है तब तक दूसरे पैन में हम 1/2 कप शुगर और 1/2 कप ऑरेंज जूस लेंगे। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बॉईल आने तक हम कुक करेंगे। जब तक हमारी शुगर मेल्ट ना हो जाए हमें इसे कुक करना है। एक बार शुगर मेल्ट हो जाए तब उसमें हमें ऑरेंज का पल्प डालना है। हमने इसका जो पील होता है वो निकाल दिया है और स्ट्रिक्टली सिर्फ पल्प लिया है। अब हम लेंगे इसमें 1 चुटकी नमक। अगर आप ऑरेंजेस नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई भी अपने पसंद का फ्रूट ले सकते हैं, पर आपको बनानास नहीं यूज करने हैं क्योंकि बनानास से ये नहीं बनेगा। और अगर आप स्वीट लाइम यानी मौसम्बी या आप ऑरेंजेस के अलावा कोई भी फ्रूट यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें लेमन जरूर डालना है। अब हमारा स्क्वॉश यानी ऑरेंज क्रश अच्छे से थिक हो गया है, पर हमें हमारी ब्रेड नहीं भूलनी है। तो टोस्ट होके हमारी ब्रेड कुछ इस तरह दिख रही है और हमारा ऑरेंज क्रश कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक जिपलॉक बैग में 5 से 6 मारी बिस्किट्स लिए हैं, और मैं इसे क्रश कर लूंगी। हमें बहुत फाइन पाउडर में इसे क्रश नहीं करना है, इसे थोड़ा दरदरा रखना है। आप मारी बिस्किट के अलावा कोई दूसरा बिस्किट भी ले सकते हैं, पर बिस्किट ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। अब एक बोल में मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, और पनीर को मैं फोर्क की मदद से मैश कर रही हूँ। पनीर जितना फ्रेश होगा उतना ही अच्छा लगेगा। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, हम इसे खोपरे के भूरे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम क्रस्ट बिस्किट लेंगे, पर हमें थोड़ा सा एंड के लिए बचाना है। 1.5 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, मैंने इसकी रेसिपी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। अब हम लेंगे यहाँ पे होममेड ऑरेंज स्क्वॉश। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा अगर आप इसे घर पर नहीं बनाना चाहते है, तो इसे मार्केट में आप ऑरेंज स्क्वॉश या ऑरेंज क्रश के नाम से ढूंढ सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऑरेंज क्रश लिया था इसमें। हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, तो अब टाइम है प्लेसमेंट करने का। प्लेसमेंट करने के लिए यहाँ मैंने हमारे ब्रेड सर्कल्स लिए हैं। ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो हम प्लेसमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच जितना स्क्वॉश हर ब्रेड पीस पर लगाया है। ये डेजर्ट की खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता है, तो इसे हर कोई इंजॉय कर सकता है। अब इस जो हमने इस पर मिक्सचर बनाया था हम वो प्लेस करेंगे। सब ब्रेड पीसेस पर मिक्सचर प्लेस करने के बाद हम इस पर ऑरेंज स्लाइस प्लेस करेंगे। तो मैंने ऑरेंज का एक सिंगल स्लाइस लिया है और इसे इस तरह से कट करके ओपन किया है। इससे हमारे डेजर्ट का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने एक चीज स्लाइस लिया है, और मैं इस चीज स्लाइस को 9 पीसेस में कट करूंगी, जैसा आप देख सकते हैं। पर मैंने इसके नीचे प्लास्टिक नहीं निकाला है। अगर आप प्लास्टिक के बिना ही इसे कट करेंगे तो चीज स्लाइस आपके सरफेस पे चिपक जाएगा। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है जिसको मैंने ऑरेंज स्क्वॉश और मिंट लीव से गार्निश करके डेकोरेट किया है। यहाँ पे हम हमारे ऑरेंज स्वीट डिलाइट्स रखेंगे। आप प्रेजेंटेशन के साथ जितना क्रिएटिव होना चाहे हो सकते हैं। हम इस पे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है चीज स्लाइस। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये डेजर्ट एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं, यानी आप इसके ब्रेड और इसका स्क्वॉश पहले ही बनाकर रख सकते हैं। यहाँ मैंने मिंट लीव डाला है जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये मैंने सिर्फ गार्निशिंग पर्पस के लिए डाला है।
नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी चेरीज। चेरीज से कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट तो बहुत ही इसका एनहेंस होकर आएगा। यहाँ मैंने केन चेरीज ली है, पर आप चाहे तो फ्रेश चेरीज भी ले सकते हैं। और जो हमारा बिस्किट का पाउडर था, हम इसे थोड़ा सा उस पर ड्रिजल करेंगे। तो ये हमारा क्विक और इजी डेजर्ट रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए, और हाँ, जितने लोगों के साथ हो सकता है इसे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई ये दिवाली पर बना सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।